हाँ तो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? जैसे भी हो नीचे कमेंट में बता देना। तो दोस्तों, फाइनली आज हमारे पास आ चुकी है जावा कंपनी की एक और नई बाइक, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में। तो दोस्तों, आज हमारे पास है जावा की 42 बॉबर, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है इंडियन मार्केट में काफी सारे नए बदलाव के बाद, बहुत सारे नए अपडेट के साथ। तो दोस्तों, आज हमारे पास है जावा बॉबर 42 का सबसे टॉप मॉडल, यानी कि डुअल टोन मॉडल, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बाइक के बारे में आपको बताने वाले हैं, क्योंकि आपको बता दें कि बॉबर 42 में आपको अलग अलग कलर ऑप्शन मिलते हैं। सारे कलर के आपको जो प्राइस देखने को मिलते हैं, वो आपको अलग अलग देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो स्क्रीन पे मॉडल देख रहे हैं, ये इसका सबसे टॉप मॉडल है। इसका जो बेस मॉडल है ना, उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखी है। तो आज की इस वीडियो में इसके टॉप मॉडल के बारे में आपको जानेंगे कि इसमें आपको क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या स्पेसिफिकेशन मिलते हैं, और साथ ही साथ इसकी क्या एक्सोन प्राइस देखने को मिलेगी, इसकी ऑन रोड प्राइस कितनी देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, अगर आप लोग भी जावा बॉबर 42 को लेने वाले हैं दिवाली धनतेरस पे, तो आप लोग थोड़ा सा वेट करके इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। वीडियो के लास्ट तक इस बाइक के बारे में आपको फुल डिटेल में पता चल जाएगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजीव और आप देख रहे हैं बीइंग टेक्नो। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, हमारी मेहनत अच्छी लगे, तो प्लीज अपने तरफ से एक लाइक जरूर दीजिएगा। और चैनल पे आप नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करके बगल में पड़े बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आप आगे नई वीडियो को मिस न कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लुक के बारे में, तो आपको बता दें कि ये इसका टॉप मॉडल है, यानी कि डुअल टोन मॉडल है, जो कि सबसे महंगा मॉडल है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि बॉबर 42 में आपको तीन अलग अलग मॉडल मिलते हैं, यानी कि तीन अलग अलग कलर ऑप्शन मिलते हैं, और तीनों की जो प्राइस है ना, आपको अलग अलग देखने को मिलती है। लेकिन अभी आप जो स्क्रीन पे कलर देख रहे हैं, ये इसका है जेस्पर रेड कलर, जिसमें आपको डुअल टोन में ये बाइक देखने को मिलती है, यानी कि व्हाइट और रेड कलर में ये बाइक देखने को मिल जाती है, जो कि काफी प्यारी लगती है देखने में। तो अगर हम बात करते हैं इसके एक्सोन प्राइस के बारे में, तो दोस्तों गौर करेंगे, इसका जो सबसे टॉप मॉडल है, यानी कि डुअल टोन मॉडल है, ये सबसे महंगा मॉडल है। तो इसकी जो एक्सोन प्राइस निकल के आ रही है, वो निकल के आ रही है 212,187 रुपए एक्स शोरूम यूपी वाराणसी की प्राइस। और अगर हम बात करते हैं इनके ऑन रोड प्राइस के बारे में, तो आपको बता दें कि बॉबर 42 के जितने मॉडल आते हैं ना, सभी मॉडल आपको लगभग 247,000 से 251,000 के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ये जो मैंने आपको प्राइस बताया ना, इस प्राइस में आपको तीनों कलर ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताना कि ये जो डुअल टोन है ना, इसका जो लुक है ना, आप लोगों को कैसी लग रही है? क्योंकि मुझे तो जावा पेरा के मुकाबले में बॉबर 42 ज्यादा बेटर और ज्यादा स्पोर्टी लग रही है देखने में। आप लोगों को किसकी ज्यादा लुक अच्छी लगती है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से फीचर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से, तो यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट सस्पेंशन मिलेगा, वॉक मिलता है, टेलीस्कोपिक हाइड्रोलिक फोर्क सस्पेंशन देखने को मिलेगी, जो कि आपको राइडिंग के टाइम पे काफी अच्छा कंफर्ट देखने को दे देती है। तो दोस्तों, सस्पेंशन क्वालिटी आपको तीनों मॉडल में आपको सेम देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट ब्रेक मिलेगा, वॉक मिलता है, डिस्क ब्रेक का सपोर्ट देखने मिलती है, जिसकी साइज है 280 mm का। और यहाँ पे देखिए, डिस्क ब्रेक के बीच में देखिए ABS का चैन लगाया गया है। तो गौर करेगी, इसमें आपको डुअल चैनल ABS का सपोर्ट मिलता है, तो इसमें आपको आगे और पीछे दोनों में आपको ABS की चैन देखने को मिल रही है। और यहाँ पे देखिए, इसका जो फ्रंट टायर मिलेगा, वॉक मिलता है 100/90 का, 18 inch का ट्यूब टायर देखने को मिलेगी स्पॉक व्हील के साथ। तो दोस्तों गौर करिएगा, इसमें भी आपको ट्यूबलेस टायर देखने को नहीं मिलती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं इस बाइक के फ्रंट से लुक के बारे में, तो इसका जो फ्रंट से लुक है ना, जावा पेरा के मुकाबले में बिल्कुल चेंज देखने को मिलती है, काफी अपग्रेड देखने को मिलती है। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, इसका जो साइड इंडिकेटर मिलता है ना, आपको LED इंडिकेटर मिलते हैं, जो कि काफी छोटे छोटे प्यारे प्यारे इंडिकेटर मिलते हैं। और साथ ही साथ इसमें आपको प्री इंस्टॉल हेजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है। और यहाँ भी देखिए, इसका जो हेडलैम्प मिलेगा, आपको राउंड शेप में देखने मिलती है, रेट्रो लुक में मिलती है। लेकिन इसका जो हेडलैम्प मिलता है ना, इसके ऊपर देखते हैं 42 की बैचिंग भी मिल जाती है। और साथ ही साथ इसका जो हेडलैम्प है ना, आपको फुल्ली LED हेडलैम्प देखने को मिल जाती है, जो कि जावा पेरा के मुकाबले में काफी बेहतरीन अपडेट देखने को मिल रही है इस बाइक में। तो दोस्तों, LED हेडलैम्प होने की वजह से जो लुक निकल के आता है, काफी प्यारा लगता है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड प्रोफाइल के बारे में, तो इसका जो साइड से लुक है ना, इसके डुअल टोन में ये काफी प्यारा लगता है देखने में। और साथ ही साथ यहाँ भी देखिए, फुल टैंक के दोनों साइड में आपको जावा की बैचिंग भी मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से हैंडल बार के बारे में, इसके हैंडल के स्विचेस क्वालिटी के बारे में, तो दोस्तों सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसके लेफ्ट हैंडल बार से, तो यहाँ पे देखिए, इसमें आपको जो लेफ्ट हैंडल बार मिलेगा, इसमें आप देखते हैं लोड स्विच मिल जाएगा, पासिंग स्विच मिल जाता है, साइड इंडिकेटर स्विच मिल जाएगा। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर आप लोग गौर करेंगे, तो इसमें आपको चार स्विच मिलते हैं, जिससे आप लोग इसके मीटर कंसोल को मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं अपने हैंडल बार से, जो कि काफी अच्छी बात है। स्विचेस क्वालिटी आपको काफी अच्छी देखने को मिलेगी, और साथ ही साथ इसकी जो ग्रिपिंग है, वो भी आपको काफी बेहतरीन देखने को मिलेगी। और यहाँ पे देखिए, इसका जो हैंडल बार पे आप देखते हैं साइड मिरर मिलता है, ये इसके लुक को और ज्यादा इनहेंस करती है। और अगर हम बात करते हैं इसके राइट हैंडल बार के बारे में, तो यहाँ पे देखिए, इसमें इंजन किल स्विच मिल जाता है, इसके नीचे आप देखते हैं प्री इंस्टॉल हैजार्ड स्विच देखने को मिल जाती है, जिसकी मदद से आप लोग चारों इंडिकेटर साथ में चला सकते हैं, सेल्फ स्टार्ट का सपोर्ट देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, ये तो इसके स्विचेस क्वालिटी की बात। और अगर हम बात करते हैं इसके थोड़े से अगले बदलाव के बारे में, जो कि इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जो कि जावा पेराक में
देखने को नहीं मिलती है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इसके लेफ्ट हैंड बार पे आप देखेंगे तो इसमें आपको एक छोटा सा बॉक्स लगाया है। जैसे इसके बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसके अंदर आप लोग देखेंगे तो इसमें आपको यूएसबी पोर्ट चार्जर देखने मिल जाती है, साथ ही साथ सी टाइप का पोर्ट चार्जर देखने मिल जाता है, यानी कि इसमें आपको प्री इंस्टॉल यूएसबी पोर्ट और सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट देखने को मिल जाती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके मीटर कंसोल के बारे में तो दोस्तों इसका जो मीटर कंसोल है ना मेरे हिसाब से तो काफी बेहतरीन देखने को मिलती है, क्योंकि अब इसमें आपको फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल देखने मिल जाती है जो कि एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल रही है। इसमें आपको जो फीचर्स मिलते हैं उनकी बात करते हैं तो इसमें आपको ओडोमीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर मिल जाती है, टेकोमीटर मिल जाती है, ट्रिप मीटर मिल जाएगा, क्लॉक देखने मिल जाती है, गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों जावा पेराग जो आती थी ना पहले उसके मुकाबले में इसका जो मीटर कंसोल है काफी बेहतरीन देखने को मिलती है बॉबर 42 में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्रंट से व्यू के बारे में तो अगर आप लोग इस बाइक को राइड करते हैं तो इसका जो फ्रंट से लुक निकल के आता है काफी स्पोर्टी और काफी बेहतरीन लगती है देखने में। और अगर हम बात करते हैं इसके फ्यूल टैंक के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा, इसका जो कैप मिलेगा वही सेम आपको क्रोम फिनिश में मिलता है जिसमें आपको जावा मोटरसाइकिल लिखा मिल जाता है। इसके फ्यूल टैंक के ऊपर आप देखते हैं 42 लिखा मिल जाता है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ। और यहाँ पे देखिए साइड में आप देखते हैं दोनों साइड में आपको जावा की बैचिंग मिल जाती है काफी अच्छे ग्राफिक के साथ। और साथ ही साथ इसका जो फ्यूल टैंक देखने को मिलेगा ये इसका टॉप मॉडल है यानी कि डुअल टोन मॉडल है, तो ये आपको दो कलर में मिलती है। और यहाँ पे देखिए थाई पैड देखने को मिल जाती है जो कि पहले से ही इंस्टॉल देखने को मिलती है जो कि काफी अच्छी बात है। तो राइडर जो होता है ना उसको राइडिंग के टाइम पे इस थाई पैड की वजह से काफी अच्छी ग्रिपिंग देखने को मिल जाती है फ्यूल टैंक में दोनों साइड में। फ्यूल टैंक कैपेसिटी भी मिल जाएगा वो भी आपको काफी अच्छी देखने को मिलती है। और वहीं अगर हम बात करते हैं इसके इंजन के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें कि इसका जो इंजन है ना फेरा के मामले में थोड़ा सा रिफाइंड इंजन मिलता है जो कि आपको मिलेगा 334 सीसी का सिंगल सिलेंडर लिक्विड कूल BS6 इंजन देखने को मिल जाती है। इसका जो मैक्स पावर निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 30.2 bhp का मैक्स पावर देखने को मिल जाता है। इसका जो मैक्स टॉर्क निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है 32.74 न्यूटन मीटर का मैक्स टॉर्क देखने को मिल रही है। इसमें आपको 81mm का बोर देखने को मिल जाता है, 65mm का स्टॉक देखने को मिल जाती है, फ्यूल सप्लाई सिस्टम जो मिलेगा वॉक मिलता है, FI सिस्टम मिल जाती है। और साथ ही साथ इसका जो इंजन मिलता है वो पहले जो जावा पेराग आती थी ना उसके मामले में बॉबर 42 का जो इंजन है ना काफी रिफाइंड इंजन देखने को मिलती है जो की काफी अच्छी बात है। और साथ ही साथ यहाँ भी देखिए इसमें आपको डुअल एग्जॉस्ट मिल जाती है और इसमें भी आपको साइड स्टैंड इंजन कटअप सिस्टम देखने को मिल जाती है जो कि हर 2022 के लगभग सभी बाइकों में देखने को मिल रही है। तो दोस्तों ये तो हो गई इसके इंजन की बात है, इसके इंजन वाइज में आपको ज्यादा डिफरेंट देखने को नहीं मिलेगा जावा पेराग के मामले में। और अगर हम बात करते हैं इसके साइड पैनल के बारे में, इसके सीटिंग कम्फर्ट के बारे में तो दोस्तों आपको बता दें जैसे जावा पेराग में आपको सिंगल सीट मिलती है इसमें भी आपको सिंगल सीट मिलती है, लेकिन इसकी जो सीट की कुशनिंग है ना पेराग के मामले में काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। और साथ ही साथ थोड़ा सा आपको कर्व मिलता है जो कि राइडर के लिए थोड़ा सा सपोर्ट का भी काम करता है और साथ ही साथ इसकी जो कुशनिंग है ना पेराग के मामले में काफी बेहतरीन देखने को मिलती है। तो जावा बावर 42 में आपको जो राइडिंग कंफर्ट मिलेगा ना आपको ज्यादा बेटर देखने को मिल जाती है, लेकिन इसमें भी आपको पिलियन राइडर का सीट देखने को नहीं मिलता। और अगर हम बात करते हैं साइड में तो यहाँ पे देखिए साइड बॉक्स पे आप देखते हैं 42 बॉबर की बैचिंग देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर से लुक के बारे में, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में तो दोस्तों इसका जो रियर से लुक है ना वो भी आपको काफी अच्छा लगता है देखने में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए इसका जो टेल लैंप देखने को मिलेगा वो आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर सेक्शन से, इसके रियर प्रोफाइल के बारे में, सबसे पहले इसका जो मिडगार्ड मिलता है ना रियर में वो भी आपको मेटल में मिलती है और इसका जो रियर सस्पेंशन मिलेगी वो आपको मिलती है मोनोशॉक एग्जॉस्ट सस्पेंशन देखने को मिलेगी जो कि आपको 7-स्टेप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलती है जिसे आप लोग अपने 7-स्टेप तक अपने हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसकी सीट को आप लोग एडजस्टेबल कर सकते हैं जो कि काफी अच्छी बात है, यानी कि इसमें आपको एडजस्टेबल सीट देखने को मिल जाती है। और अगर हम बात करते हैं इसके रियर ब्रेक के बारे में तो यहाँ पे देखिए इसका जो रियर ब्रेक मिलेगा वॉक मिलता है, फ्लोटिंग कैलिपर का डिस्प्ले का सपोर्ट देखने को मिलता है जिसकी साइज 240mm का डिस्प्ले के बीच में आप देखिए ईबीएस का चैन लगाया गया है क्योंकि ये डुअल चैन ईबीएस के साथ आती है तो इसमें आपको फ्रंट और रियर दोनों में आपको ईबीएस का चैन देखने को मिल जाती है। और इसका जो रियर टायर मिलेगा वो भी आपको थोड़ा सा चौड़ा टायर मिलता है जो कि आपको मिलेगा 140/70 का 17 इंच का ट्यूब टायर देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इसका जो टायर साइज है वो काफी अच्छा देखने को मिलती है। और यहाँ पे देखिए इस साइड बॉक्स पे भी देख सकते हैं 42 बॉबर की बैचिंग मिल जाती है। इसका जो एग्जॉस्ट है ना वो भी थोड़ा सा पैरा के मामले में थोड़ा सा स्पोर्टी लगती देखने में। इसके एग्जॉस्ट को जो साउंड है ना वो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में सुना दिया है। तो दोस्तों ये थे इस बाइक के फीचर्स स्पेसिफिकेशन जो कि मैंने आपको बता दिया है। तो ओवरऑल इसका जो लुक है ना ये थोड़ा सा स्पोर्टी हो चुका है पेराग के मामले में और साथ ही साथ थोड़ा सा एडवांस हो चुकी है जावा बॉबर 42। तो दोस्तों आप लोग बताना कि ये जावा बॉबर 42 का जो टॉप मॉडल है यानी कि डुअल टोन मॉडल है इसका जो लुक है ना ये जो कलर है आप लोगों को कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और इसका जो एक और कलर आता है जो व्हाइट कलर है उसकी वीडियो आपको इस चैनल में बहुत जल्द देखने को मिलने वाली है तो प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा। और अगर आप लोग को इस बाइक से जुड़े या फिर इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल करना है या फिर कोई क्वेश्चन करना है या फिर कोई डाउट है तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हैं, पूरी कोशिश करते हैं आप लोग कमेंट कर रिप्लाई करने का। और अगर आप लोग को हमसे डायरेक्ट बात करने पे हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आपको स्क्रीन पे नीचे हमारी इंस्टाग्राम आईडी शो होगी वहां से हमें डायरेक्ट फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए बाइक के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब
तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने हेल्थ के हेलमेट यूज़ करते रहिएगा। तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद जय भारत।